नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसकी तस्वीर साफ होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के घर पर चाय के लिए जिन नेताओं को बुलावा मिल रहा है उन्हें ही आज शपथ लेनी है और इस बार मोदी के कैबिनेट में कुछ नए चेहरों की एंट्री होने जा रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पहले भी मोदी की टीम में उनका साथ हाथ बटाते रहे और एक बार फिर मोदी सरकार में उन्हें जगह मिलने जा रही है। नए चेहरों की एंट्री में जो नाम है उनमें सबसे पहला नाम रामनाथ ठाकुर का, कर्पूरी ठाकुर के बेटे और बिहार से बड़ा चेहरा है राम मोहन नायडू, टीडीपी के बड़े चेहरे, आंध्र प्रदेश के बड़े चेहरे एचडी कुमार स्वामी, इनको मौका मिलने जा रहा है। चिराग पासवान एलजीपी की अध्यक्षता करते हैं, पांचों के पांचों सांसद अपने जिता ले गए हैं और युवा चेहरा जीतन राम मांझी कॉल उन्हें भी आया और वो भी यहां पर माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चेहरा, विदिशा सीट से चुनाव लड़ा, 7 लाख से ज्यादा की सीट से जो है मार्जिन से चुनाव जीता और माना यह जा रहा है कि उन्हें भी मौका मिलने जा रहा है। इसके अलावा जिनकी वापसी हो रही है अब उनके नाम देख लीजिए, अमित शाह पूर्व की सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, राजनाथ सिंह पूर्व की सरकार में रक्षा मंत्री रहे हैं, नितिन गडकरी पूर्व की सरकार में जो है सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं, फिर मौका मिल रहा है, पीयूष गोयल को फिर मौका मिल रहा है, अनुप्रिया पटेल एनडीए की सहयोगी दल हैं और उनको भी मौका मिलने जा रहा है, मिर्जापुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, सर्वानंद सोनेवाल नॉर्थ ईस्ट का बड़ा चेहरा उनको मौका मिलने जा रहा है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, अर्जुन राम मेघवाल पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं फिर मौका मिलने जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की और अब उन्हें भी माना जा रहा है कि मौका मिले, पिछली बार वो उन्हें भी मौका मिला था और इस बार फिर से वो मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि सीसीएस वाले जो मंत्रालय हैं बीजेपी अपने पास रखने वाली है, यानी कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ये बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, कैबिनेट कमेटी यहां से क्या थी कहा जाता है और ये बहुत अहम मंत्रालय होते हैं। पहले भी मोदी सरकार 2.0 में भी ये मंत्रालय बीजेपी के पास ही थे और फिर से एक बार ये मंत्रालय बीजेपी को मिलने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पूर्व की सरकार में गृह मंत्री रहे अमित शाह, फिर से उनका नाम है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। रक्षा मंत्रालय पहले भी सरकार में मोदी सरकार में बीजेपी के पास था, फिर जो है बीजेपी को मिलने जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जब भी कोई गठबंधन की सरकार बनती है तो गुलदस्ता ठीक से बना रहे ये सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन एक चीज जो दिखाई दे रही है वो ये कि जो सहयोगी दल है वो भी बहुत बार्गेन नहीं कर रहे हैं। अगर गृह, रक्षा, वित्त ये सब चला जा रहा है बीजेपी के पास तो हम समझ सकते हैं बीजेपी बहुत अपर हैंड है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार सरकार एनडीए की सरकार के रूप में कैसा चेहरा पेश करने की कोशिश की जा रही है जिसमें सहयोगियों को पर्याप्त जगह मिले, जिसकी जितनी सीटें मिली हैं एक उसके अनुपात में जो मंत्रिमंडल का सदस्य है वो उनकी संख्या मिले और ये फॉर्मूला तय हो चुका है और इसी के हिसाब से टीडीपी और जदयू समेत, एलजेपी समेत, शिवसेना समेत जो भी सहयोगी पार्टी हैं उनको मिली हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मुख्य मंत्रिमंडल के जो पद हैं सीसीएस के पद हैं वो पार्टी अपने पास रखेगी, सहयोगियों को भी उसके अलावा अहम पद यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही साथ उनको सरकार का एजेंडा बता दिया गया है कि आपको इस एजेंडे पर काम करना है। मतलब साफ है कि मोदी 3.0 का एक एजेंडा, एक एम बनाया गया है और उस खाके पर चाहे बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी के सांसद हों या फिर सहयोगी पार्टी के सांसद हों, उसी खाके पर चलना होगा। 3.0 का विजन होगा और इसमें प्रतिनिधित्व होगा सारी पार्टियों का, उसी अनुपात से होगा। ये एक सबसे बड़ी चीज है मोदी 3.0 सरकार की। जब साथ लेकर चलना होता है तो कुछ उनकी माननी होती है, कुछ अपनी माननी होती है और ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शपथ ग्रहण को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं और मौजूदा समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई राज्यों में उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, इस बार का लोकसभा चुनाव भी उन्हीं की अध्यक्षता में लड़ा गया। जेपी नड्डा को माना यह जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाकर अब उन्हें जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं, वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। यतेंद्र, दो चीजें अब इसके साथ में सवाल खड़े हो गए हैं, पहला जेपी नड्डा को कौन सा मंत्रिमंडल मिलने जा रहा है क्योंकि अहम चेहरा है, विश्वसनीय चेहरा है नरेंद्र मोदी का, और दूसरा अगर ये मंत्री बन रहे हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा क्योंकि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी 240 जीतने के बाद।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इस बार खत्म हो रहा है और ऐसे में संभावना यही है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है, संभावना जताई जा रही है कि इस बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का के चयन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने लगेंगे। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि इस बार जेपी नड्डा को शामिल किया जाएगा या नहीं, या हो सकता है इस बार शामिल ना करें तो अगला जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें जेपी नड्डा को जगह दी जाएगी। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार ही शामिल किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पिक्चर शाम को ही साफ हो पाएगी क्या जेपी नड्डा इसमें शपथ ले रहे हैं या उन्हें फिर बाद में शपथ दिलाई जाएगी जब भी विस्तार किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है तो ऐसे में आगे की रणनीति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी फैसला इस पर ले सकती है। लेकिन बाकी के जो सदस्य हैं उनको कॉल जाना शुरू हो गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण भी है, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अनुप्रिया पटेल को अभी तक कॉल नहीं गया है। अनुप्रिया पटेल नाराज बताई जा रही हैं और राजनाथ सिंह के घर पर पहुंच गई हैं अपनी बात कहने के लिए। राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है और अभी तक उनको कॉल ना जाना यानी कि साफ है कि उनको इस बार अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो नाराज भी बताई जा रही हैं और राजनाथ सिंह के घर पर पहुंच गई हैं अपनी बात कहने के लिए। जी बहुत बड़ी जानकारी यतेंद्र आप दे रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास में इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें मोदी सरकार 3 शपथ ग्रहण के लिए तैयार है, यानी कि 3.0 मोदी सरकार, उसके लिए शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आज पीएम पद की शपथ लेंगे। न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण का हर एक अपडेट सबसे पहले दे रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के संभावित मंत्रियों को लगातार फोन की घंटियां बज रही हैं। ताजा अपडेट यह आया है, अश्विनी वैष्णव को भी शपथ के लिए कॉल आ गया है। मोदी सरकार 2.0 में रेल मंत्री रहे और सफल मंत्री रहे, उनके रहते हुए कई वंदे भारत ने दौड़ भरी है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव, माना यह जा रहा है जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी कॉल चला गया है, फिर से उनको जगह मिल रही है। मनसुख मांडवीय को शपथ के लिए फोन चला गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये दोनों चेहरे मोदी सरकार 2.0 में भी आपने देखे होंगे और मोदी सरकार 3.0 में माना जा रहा है कि इनको फिर से जगह मिलने जा रही है। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा के सांसद हैं और एक ऐसा चेहरा माने जाते हैं साफ छवि के, और फिर से उन्हें जगह मिलने जा रही है। यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, इस खबर पर तो जानकारी दीजिए ही कि अश्विनी वैष्णव एक साफ छवि के नेता हैं, उनको फिर से मौका मिलने जा रहा है। मनसुख मांडवीय को भी मौका मिल रहा है, और जो खबर आप बता रहे थे उसको भी विस्तार से बताइएगा कि आखिर क्या कारण कि मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल नाराज हो गई है। देखिए बिल्कुल, माना यही जा रहा है कि जो एक एक दल वाले सांसद हैं शायद उनको बाद में जगह दी जाए, और अभी क्योंकि सहयोगी दल और जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका भी प्रेशर है, उनको भी समाहित करना है मोदी मंत्रिमंडल में, और पुराने बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनको भारी भरकम मंत्रालय दिए जाने, तो ऐसे में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता और अभी छोटा मंत्रिमंडल रहे, इन सबको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा रहा है। हालांकि उनको मनाने की कोशिशें भी हैं कि बाद में उनका ध्यान रखा जाएगा, उनके हित जो राजनीतिक हित हैं उनको भी पूरा फोकस किया जाएगा, इस तरह का एक मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल अभी तक इनको कॉल नहीं आई है। जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने पहुंचे, कल रात को भी उनकी मुलाकात हुई, और अब अनुप्रिया पटेल राजनाथ सिंह से पहुँच गई और बताया जा रहा है कि वो नाराज हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने से। हालांकि तस्वीर शाम तक क्लियर हो पाएगी क्या उनका जो प्रेशर जीतन लगाई गई है, तो अब से कुछ समय के बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जहां तक अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, निर्मला सीतारमण की बात है तो इन तीनों को कॉल जा चुका है। और एक और बड़ी खबर आ रही है केरल से, सुरेश गोपी जो पहली बार केरल से बीजेपी का खाता खोला, उनको भी आप अहम जानकारी दे रहे हैं या अनुप्रिया पटेल वाली खबर अपने दर्शकों को बता दे, फिर मैं आपके पास फिर से इस खबर पर लौट रही हूं। अनुप्रिया पटेल पूर्व की सरकार में मंत्री रही, जो है अपना दल का नेतृत्व करती है, मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, लेकिन इस वक्त नाराज बताई जा रही हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद उन्हें जगह नहीं मिल रही है और इसी को लेकर वो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर पहुंच गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी यतेंद्र हमारे सहयोगी आपको लगातार दे रहे हैं, एक बार फिर से मैं यतेंद्र का रुख करूंगी। यतेंद्र, एक चीज समझाइए कि यूपी में पूर्वांचल को साधना बड़ा इस वक्त अहम है और पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें बीजेपी हार गई और मिर्जापुर से आती हैं अनुप्रिया पटेल, क्या उनकी नाराजगी मोल लेगी बीजेपी पूर्वांचल के इस चेहरे को नाराज करके, जब आप कई सीटें पूर्वांचल की हार गए हैं?
देखिए उनके साथ रहने के बावजूद भी सीट कई सारी सीट आ रहे हैं, तो ऐसे में नाराजगी मोल लेने का सवाल नहीं उठता। ऐसे में सवाल है कि किस तरह से जमीन को, जो ग्राउंड लेवल की जमीन है, उसको ठीक किया जाए, जो कार्यकर्ता, जो कैडर नाराज है उसको किस तरह से मनाया जाए, उनको किस तरह से वापस संगठन के काम में जोड़ा जाए, और सरकार को, संगठन के साथ साथ सरकार को, वहाँ की सरकार को कैसे मजबूती से चलाया जाए। तो ऐसे में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला बीजेपी आलाकमान की तरफ से दावा किया जा रहा है, ये फैसला लिया गया, क्योंकि और भी बाकी सहयोगी दल है जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनको भी केवल एक कैबिनेट और एक एमओएस दिया जा रहा है, जबकि उनकी संख्या ज़्यादा है। टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको एक कैबिनेट एक एमओएस दिया जा रहा है। और इसी फार्मूले के तहत अनुप्रिया पटेल हो या जीतन राम मांझी हो, उनको बताया गया कि आने वाले समय में जब भी विस्तार होगा उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा। फिलहाल उनके लिए कुछ और पार्टी ने सोचा, जरूरी नहीं है कि मंत्री बना जाए। सरकार में ऐसे कई सारे विभाग होते हैं जहां पर उनको एडजस्ट किया जा सकता है, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। ये बातचीत अभी चल रही है, हालांकि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा, क्या समाधान निकलेगा, क्या दोनों संतुष्ट होंगे या दोनों नाराज होंगे, ये आपसे कुछ समय के बाद पता चल पाएगा। ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है यतेंद्र, जैसे क्रिकेट का एक पूल होता है, उस पूल में से आपको 11 प्लेयर ही निकालने हैं, लेकिन खेलने वाले आपके पास बहुत सारे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इन सबके बीच में आपको